जी, खत्म इलेक्शन भी खत्म हो गया, क्या आप जीत का दावा कर रहे हैं? हाँ, हम जीत रहे हैं। कितना सरकार जुल्म किया तब भी हम जीत रहे हैं, जनता का आशीर्वाद था। आप बार बार ये शिकायत करते आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको सताया गया। बार बार नहीं कर रहे हैं, सब जनता जान रहा है कि जितना तंग किया है तब तक किया, सरकार को इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, ऐसे बदल रहना चाहिए। जब गुंडा के मदद ले या पुलिस के मदद से वोटिंग करावे तो कराने नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? वोटिंग के दिन भी खबरें आई थी कि दो बूथ पर झड़प हुई। नीतीश जी पहले गुंडा को शांत करते थे, आज गुंडा पोसते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए अब गुंडा को पोसते हैं। क्या लग रहा है, इतने काम हुए फिर भी क्या आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? हाँ, जनता से आप मिले, जनता से क्या फीडबैक मिला? जनता से मिले, जनता का पूरा वोट दिए हैं, हम जीतेंगे, आप जीत जाइए, जनता का आशीर्वाद है। सर, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, धुआंधार प्रचार हुआ, तो मतदान भी हो गया है, क्या लग रहा है, लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है? पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि हमको वोट देना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जी। तो इसमें फीडबैक लेने का क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, मुंगेर में भी आपने धुआंधार प्रचार किया। मुंगेर में आपको लोग मालूम नहीं है थी करने का, आप देखते हैं लिस्ट नहीं। मुंगेर में पूरे बिहार में 40 सीट से सबसे ज़्यादा पोलिंग कैपेसिटी NDA का वोट का मुंगेर में है। मुंगेर में मतलब लड़ाई थी ही नहीं? मुंगेर में कैसे लड़ाई रहेगा? आप 9 का चुनाव का देखिएगा ना, 9 में आदरणीय राम बदन राय जी लड़े, उनको आया 1,89,000 वोट जी। 2014 में आदरणीय मेहता जी लड़े, 1,85,000 वोट आया। और बीना देवी और जिसे ललन जी का वोट मिला के देखा जाए तो 6,00,000 आ गया, 52,54,000 तीर को आ गया, 6,50,000 से ज़्यादा पोलिंग कैपेसिटी है। तो कोई आम लोग जिसे देख के बता सकता है? सामने में जो प्रतिद्वंदी हैं वो लाखों वोट से जीतने का वादा, लाखों वोट सब कोई उम्मीदवार कहता हार जाएंगे जिसे थी करने का। मेरा कोई प्रतिबंध ही नहीं है, राजनीति लड़ाई अपनी जगह है। और ये भी भारत की जनता ये मन बनाया हुआ है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इसमें मुंगेर, नवादा, बेगूसराय और समस्तीपुर, हाजीपुर कहाँ लाते हैं? पूरे भारत के लोग ने ये मन बना लिया है कि भारत का चौकीदार कैसा चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहिए।